जय श्रीमन्नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 25। महर्षि नाम भृगुरहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणाम हिमालयः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का विभूति योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन हम ऋषियों में भृगु महर्षि ही, हम सार्थक अक्षरों में प्रणव या ओंकार ही, हम सभी यज्ञों में जप यज्ञ ही और पर्वतों में हिमवंत पर्वत ही। सभी ऋषि भृगु महर्षि का ई पता लगाने के लिए भेजन कि देवताओं में सबसे महान किया है और भृगु महर्षि ई निर्णय करें कि श्री महाविष्णु सभी देवताओं में सबसे महान है और ई निर्धारित करें कि श्री महाविष्णु या श्रीमन्नारायण सर्वोच्च हैं। श्री कृष्ण परमात्मा कहता है कि हम ही उ भृगु महर्षि ही और वे कहता है कि वे उन भृगु महर्षि में उनके सबसे ज़्यादा अंश रखें। इस तरह ओंकार या प्रणव उ शब्दांश है जौन सर्वोच्च श्रीमन्नारायण का व्यक्त और संबोधित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण परमात्मा कहता है कि वे ओंकार हैं और उस ओंकार में वे अपने उच्च मात्रा में तेज का रखे हैं। शास्त्र में कहा गया है कि जप यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है, ये अत्यधिक परिणाम देते है और जप यज्ञ एक ऐसी चीज है जेका हर केहू बिना बाधा के कह सकत है। श्री कृष्ण परमात्मा कहता है कि वे ही उस जप यज्ञ हैं और उस जप यज्ञ में अपन तत्व ऊंचा रखे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा बतावता है कि हिमवंत पर्वत उपर्वत है जहाँ अष्टाक्षरी मंत्र वास्तव में श्रीमन नारायण द्वारा प्रकट किया रहा जब वे नर नारायण के रूप में अवतरित भयन, और हिमवंत पर्वत सभी ऋषियों के लिए उनके सभी तपों के भूमि है। श्री कृष्ण परमात्मा कहता है कि वे हिमवंत पर्वत हैं और उमा वे अपन अधिक मात्रा में तेज हिमवंत पर्वत में रखे हैं। इसलिए जब भी हम भृगु महर्षि के शब्द सुनी, जब भी हम ओंकार के जाप करी, जब भी हम मंत्र जाप करी, जब भी हम हिमालय पर्वत के बारे में सुनी या देखी, तो आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं का याद करें के प्रयास करी कि उनके उच्च मात्रा में तेज इन सभी में मौजूद है। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन का सार्थक बनाने के प्रयास करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे के प्रयास करें। महर्षि नाम भृगुरहम गिरामस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणाम हिमालयः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एका अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार
श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन्नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमारा प्रथम वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन्नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन्नारायण, हम केवल आपके शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन्नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मां शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवा वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है, हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है, जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन्नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन्नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन्नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। महर्षीनां भृगुरहं गिराम् अस्मि एकम् अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। ॐ महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपके ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा, तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला,
श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।